नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष। मुझको अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं आम आदमी के मुद्दे उठाता हूं। आज दोस्तों, हम कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच में ही नहीं बैठे हैं, हम हिंदुस्तान के बंटवारे के बीच में बैठे हैं। हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया है भारत और इंडिया में। एक बंटवारा था 1947 का, जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ था। आज दोबारा बंटवारा हो रहा है, हो गया है, हो चुका है। भारत के लोग रात दिन अपने घर के तरफ चल रहे हैं, मजबूर हैं, मजदूर लोग हैं, किसान हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, बेचारे हैं, बेसहारा हैं। आपको हाईवे पर चलते मिलेंगे अपने घर के तरफ, अपने परिवार वालों के साथ। कुछ लोग अपना बोरा बिस्तर माँ बहन बेटी को लेकर साइकिल पर डबल सवारी करते हुए दिखेंगे भरी दोपहर में या रात के 2 या 3 बजे। कुछ लोग घर में बैठकर उनकी इंतज़ार कर रहे हैं कहीं दूर गांव में, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल में। तो ये जो प्रजा है, जो भारत कहलाएगा, वो प्रजा न ठीक से सो पा रही है, न ठीक से खा पी पा रही है, और हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। और एक तरफ हम हैं, हम इंडिया के लोग हैं, आराम से बैठे हुए हैं, YouTube वीडियोस बना रहे हैं, WhatsApp कर रहे हैं, घर में चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं, और कह रहे हैं कि हाँ भाई, बहुत दुर्दशा है। दुर्दशा है, लेकिन हमारी दुर्दशा उनकी दुर्दशा से 1,00,000 गुना बेहतर है। हमारी दुर्दशा को दुर्दशा नहीं कहा जा सकता। हम इंडिया के लोग हैं, हम बालकनी क्लासेस हैं, जिन्हें हमारे प्रधान सेवक ताली और थाली बजाने को कहते हैं, दिया जलाने को कहते हैं। हमारे पास दिए जलाने के लिए तेल है, हमारे पास ताली और थाली बजाने के लिए बर्तन हैं, हम थाली बजा सकते हैं, हम घर में बैठ के बर्तन थाली बजा सकते हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं, वो चल रहे हैं, उनके पास खाने तक के लिए तेल नहीं है, वो क्या दिए जलाएंगे? और प्रधानमंत्री जी उनके तरफ देख भी नहीं रहे हैं। लेबर क्लास है, गरीब मजदूर, जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, वो मजबूर हैं। और सरकार उनकी जो भी प्रोटेक्शंस थी, वो सारे प्रोटेक्शंस को ले रही है, कम कर रही है। उनके तरफ की सुरक्षा की नज़र नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति कहते हैं उनसे कि आप उनको उनके ट्रेन कैंसिल कर दो, तो ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। अगर उद्योगपति वर्ग वाले लोग कहते हैं कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ा दो, 8 घंटे के शिफ्ट के बदले 12 घंटे का शिफ्ट रहे, सेफ्टी रहे न रहे, लेकिन हमें उनसे काम लेना है, तो सरकारें उन्हें ये भी सुविधा दे रही है। कह रहे हैं कि वर्कर्स को अब हक है कि 12 घंटा काम करे, लेकिन ये वर्कर्स को हक नहीं दिया जा रहा है, वो हर वर्कर्स के हक छीन ले रहे हैं। 8 घंटे से जब 12 घंटे का शिफ्ट करवाते हो, तो इंसान के अंदर कुछ भी बचता नहीं है, वो घर जाके सो जाएगा, खा के दोबारा दूसरे दिन ड्यूटी पर आ जाएगा, उसके सिवा उसके अंदर कुछ रहता नहीं है, वो फैमिली वालों की कुछ भी नहीं सेवा कर सकता, फैमिली वालों के साथ बात भी नहीं कर सकेगा, वो थका हारा घर जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, दूसरे दिन नहा धो के वापस पहुँच जाएगा ऑफिस में, इतना ही उसके अंदर जान बचती है। तो इस तरह से लेबर क्लासेस के हक कम किए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, और हमारे प्रधान सेवक उनके तरफ देख के बात भी नहीं करते, उनकी चीख की आवाज़ प्रधानमंत्री जी के कान तक नहीं पहुंच रही है, उनकी चीख की आवाज़
उनकी मजबूरी, उनके भूख की आवाज़ हम में से बहुत कम लोगों के बीच में पहुंच रही है, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से। कोई व्हाट्सएप वीडियो बना लेता है और दिखाता है कि देखो भाई, यहाँ पर एक परिवार ने खुद को फांसी पर चढ़ा लिया, तब जाके हमारी ज़मीर की आवाज़ थोड़ी सी जागरूक होती है, थोड़ी देर के लिए हम उस वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इंडिया के लोग आज मज़े देख रहे हैं और भारत के लोग तड़प रहे हैं, तड़फरा रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं, इंडिया के लोग बहुत कम संख्या में हैं, शायद 5-10% तक पहुंचते हैं हमारी संख्या। वी आर ओनली 5-10% ऑफ द टोटल जो हिंदुस्तान का है। तो दोस्तों, ये देखिए आप, पार्टीशन हो रहा है, पार्टीशन हो गया है और हम इंडिया के लोग शायद ही कभी कभार भारत के लोगों की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें सुन नहीं रही हैं, सुनना नहीं चाहती हैं, उन्हें अनदेखा करना चाहती हैं और हमको पड़ी नहीं है। सवाल ये उठता है कि हमको पड़ी है या नहीं, तो सच पूछो तो हमको पड़ी नहीं है, हमको भारतवासियों की पड़ी नहीं है, ये सच है। हमको हमारी ही स्वास्थ्य के बारे में, हमारी ही सुविधा के बारे में पड़ी है। लेकिन दोस्तों, हम भी आज असुरक्षित हैं, आप और मैं भी आज असुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार ये नहीं बता रही है कि हॉस्पिटल का खर्चा कितना होगा। उसके ऊपर हॉस्पिटल के खर्चे पे किसी तरह के लिमिट्स नहीं डाले गए। सरकार कोई लिमिट नहीं डाल रही है कि हॉस्पिटल 5 लाख से ज़्यादा या 2 लाख से ज़्यादा या 1 लाख से ज़्यादा पर हेड चार्ज नहीं कर सकती है कोविड के लिए, कोरोना वायरस के मरीज के लिए। तो आज की परिस्थिति ऐसी है कि आपकी और मेरी अगर भर्ती हो गई, और हमें भर्ती होना पड़ेगा कंपलसरी, और अगर हम भर्ती हो गए किसी हॉस्पिटल में, एडमिट हो गए, तो फिर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कोई हिसाब नहीं है कि कितने हमारे जेब से निकलेंगे, और हो सकता है कि हमारे परिवार कंगाल हो जाए तब तक वो पैसे भरते रहें, पूरे के पूरे परिवार कंगाल हो सकते हैं। और अगर आप और हम हॉस्पिटल में पहुंच गए, एडमिट हो गए, क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में भी अगर चले गए, तो दोस्तों हम इंडिया में से धड़ से भारत में पहुंच जाएंगे, गिरकर धड़ाम से भारत में पहुंच जाएंगे, और हमको पता चलेगा कि भारत क्या महसूस कर रहा है आज। सिर्फ आपको या मुझे कोरोना वायरस लगने की ज़रूरत है या लगने तक का समय है। भारत टू इंडिया का रास्ता बहुत लंबा है, कोई भारत से इंडिया नहीं पहुंच सकता, लेकिन इंडिया से भारत पहुंचने का रास्ता बहुत छोटा है। चाहे वो कोरोना वायरस की बीमारी हो या कोई भी दूसरे बीमारी हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, किडनी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी तरह के तकलीफ हो, हॉस्पिटल जाना पड़े, तो हम इंडिया से भारत का फैसला जो है 1-2 घंटों में तय कर जाएंगे, और उसके बाद पता लगेगा कि भारत के लोग क्या सह रहे हैं। दोस्तों, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जन जागृति ही नहीं लेकिन उससे ज़्यादा रास्ते पर निकलने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ज़रूरी है, लेकिन भारत और इंडिया को साथ रखना भी ज़रूरी है। हम अगर अपने ही खुद के बचाव में रह जाएंगे, तो दोस्तों भारत और इंडिया का विभाजन परमानेंट हो जाएगा, और भारत के लोगों के दिमाग में अगर ये बैठ गया कि ये इंडिया के लोग हमारे नहीं हैं, हमारे अपने नहीं हैं,
उनको हमारी पड़ी नहीं है, तो आपकी और मेरी खैर नहीं, मिडिल क्लासेस की खैर नहीं। सोचिए सोचिए जरा। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।